गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? और अभी मैं जा रहा हूँ पटना गाइस, और यहाँ मैंने अपनी बाइक लगा दी है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हो क्लच को मैंने दबा के बांध दिया है, ठीक है। और अब मैं जा रहा हूँ गाइस पटना, तो लास्ट टाइम देख लेता हूँ बाइक को, गुड बाय। भाई इसी की टेंशन होती रहती है वहाँ पर, और भाई जय दुनिया बाहर में इसे मैंने लगा दिया है गाइस। आएंगे अब तो इसकी सर्विस भी करानी है, सर्विस भी आ गई है इसकी, ठीक है। और लास्ट टाइम मैं आपको किलोमीटर दिखा देता हूँ कितनी किलोमीटर चली हुई है बाइक अपनी। देख सकते हो गाइज ये अपनी बाइक, और यहाँ पे लिखी होगी किलोमीटर, तो भाई ट्रिप टू है ये लोग गाइज 10,642 किलोमीटर, मतलब 10,642 किलोमीटर चल चुकी है अपनी बाइक। तो न्यूट्रल है बाइक, बंद करते हैं, निकल जा, निकल गई। और गाइज टंकी खाली है गाइज, पूरी खाली है, ठीक है, देख लो पूरी खाली है टैंक, क्या कर सकते हैं। बाय, अब कवर चढ़ाते हैं इस पे। इस कवर लगा दिया बाइक पे, सर थोड़ी ठीक से नहीं लगाएगा, इस नीचे से स्पेस छोड़ा है मैंने, ठीक है। देख सकते हो अपनी बाइक को लास्ट टाइम कवर में, लास्ट टाइम भाई बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, मतलब इस बार लास्ट बार देख रहे हो इस मंथ में शायद, क्योंकि इस मंथ में तो आनी नहीं है, नेक्स्ट मंथ में भी शायद नहीं आऊँगा, ठीक है। मिरर फोल्ड है ना, मिरर फोल्ड हो गई है, देख सकते हो। चलो गाइस चलते हैं अब ऊपर, बैग पैक करते हैं, निकलते हैं यहाँ से, ये पापा वाली बाइक। घर से आ चुके हैं सीधा ट्रेन में, और अपनी ट्रेन भी अब खुल चुकी है, देख सकते हो, ठीक है। और अभी मैं बोगी में गाइस, जहाँ की पूरा अंधकार है, यहाँ के लाइट में, ठीक है। तो भाई ट्रेन खोल चुकी है, और अब मैं आपको आगे का दिखाता रहूँगा धीरे धीरे, ठीक है। बाकी पब्लिक प्लेस पे ब्लॉगिंग करने में थोड़ी शर्म भी आ रही है, क्योंकि चारों तरफ लोग ही लोग हैं, देखने आ गए। आ चुके हैं अपने यहाँ दीदी के रूम पर, देख सकते हो हनुमान मंदिर के पास टीका भी लगवा लिए थे, और यहाँ के मुझे एक सदमा लगा है गाइज। मैं सपने देख रहा था स्कॉर्पियो फॉर्चूनर की, और यहाँ पे हमारी दीदी जी ऑल्टो देख के आ रही है गाइज नेक्सा के शोरूम से। भाई साहब, भाई ले लिया तो स्कॉर्पियो लो, मैं तो समझा रहा हूँ इनको काली रंग की ले लो, जेड ब्लैक शीशे करा लो, 10,000 रुपये चलान फूकते चलो, लेकिन इनको चाहिए ऑल्टो माइलेज वाली गाड़ी, ठीक है, शीशे में चलाने के लिए। तो अभी जाएंगे शोरूम पे देखने के लिए गाइज। और यहाँ टंपी बाबू गाइज रेडी हुई पड़ी है स्कूल जाने के लिए। टंपी बाबू आपको कैसा फील हो रहा है, आपका न्यू गाड़ी आने वाली है बहुत जल्द? अच्छी भी लग रही है, और जगह मिलेगी नहीं इसकी, इसका पता नहीं। मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, बस ये बताओ आपको स्कॉर्पियो चाहिए कि ये ऑल्टो, स्कॉर्पियो या ऑल्टो? मेरे को तो सबसे, मेरे को तो पिंक वाली गाड़ी चाहिए भाई। स्कॉर्पियो में पिंक नहीं आती, ना ही ऑल्टो में पिंक आती है, तो आपको स्कॉर्पियो चाहिए या ऑल्टो चाहिए आप ये बताओ? नहीं चाहिए, गाड़ी ही नहीं चाहिए, स्कूटी चाहिए। इस ये तो अलग ही स्वैग में है भाई, बाप रे बाप, इसका अलग ही स्वैग चल रहा है, इसको स्कूटी चाहिए। सुनो ना, तो आगे पापा जब लाएंगे ना उधर से गाड़ी, ठीक है, तो हम बस तुम्हें को पहने भेजेंगे। नहीं सुनो ना, अगर देखो लाएंगे ना पापा गाड़ी खरीद के, सुनो ना इधर देखो ना, मतलब वो गाड़ी हमें दे देना, वो गाड़ी मुझे दे देना, और मैं आपको स्कूटी दे दूंगा, डन? नहीं एक बार मैं तुम्हें अपने गाड़ी का राइड करवा दूंगी, मैं चलाऊंगी ना, दर्शन करके आ जाएंगे, ठीक है। वो तो ठीक है, आप मुझे जो है ना अपनी कार की चाबी दे देना हमेशा के लिए, मैं आपको स्कूटी दे दूंगा न्यू वाली, एकदम मस्त पिंक कलर की, आपकी फेवरेट। झूठ मत बोलो तुम, आप पापा को पटाओ स्कूटी के लिए, जो पापा नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं अभी, स्कॉर्पियो के लिए, वो भी ब्लैक वाली टॉप मॉडल S11। अगर आपके पापा स्कॉर्पियो S11 ले आएंगे ब्लैक वाली टॉप मॉडल, मैं आपको अगले दिन एक नहीं चार चार स्कूटी दिला दूंगा बेटा। जो चीज संभव नहीं है उसकी बात मत करो, देख रहे हो गाइस संभव है, आप कर सकती हो, आप बोलो तो। नहीं करूंगी अब गाइस, यही पसंद करने वाली है पापा, मुझे तो छोटी सी कार चाहिए, लो छोटी सी ऑल्टो मिलने दो ना पापा, तू जितना कार ही लाएगा ना उतने में मेरे पापा एक आईफोन ला देंगे। समझदार है गाइस, हाँ हमारी क्या औकात आपकी पापा के पास बताओ, कि तेरे पास पैसे नहीं है।
वही तो गाइज, अरे हम भी कमाएंगे, हम भी लेंगे, कोई बात नहीं गाइज, चलते हैं शोरूम पे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज कैसे कैसे करके आ तो गए पटना, ठीक है, और रूम पे भी आ गए हमें अपने, और अभी मैं रूम पर से निकल रहा हूँ, ठीक है। दीदी के यहाँ तो आ ही गए थे, और जा रहा हूँ कहाँ गाइज, तो निक्सा के शोरूम, और वो भी क्यों गाइज, गाड़ी देखने के लिए दीदी के लिए। तो मैं तो भाई पूरा मतलब बनाने की कोशिश कर, स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की, लेकिन कोई नहीं मान रहा गाइज, कोई नहीं गाइज, हम लेंगे स्कॉर्पियो, ठीक है, क्योंकि यार फर्स्ट गाड़ी है, और जिया जी को भी मतलब फर्स्ट गाड़ी है तो चलाना सीखना है, बहुत सारी बातें हैं, तो सब कुछ देखते हुए मारुति गाइज, ये तो है गाइज, हर मिडिल क्लास परिवार की पहली गाड़ी मारुति सुजुकी की होती है, और वही बात इधर भी है, जिया जी की भी पहली गाड़ी मारुति सुजुकी की है, जिसका नाम है, क्या नाम है, लॉर्ड ऑल्टो, ठीक है। तो चलते हैं अपनी ऑल्टो देखने के लिए, निकल चुके हैं गाइज, आ चुके इसी के साथ शोरूम में, एंड देखते हैं गाड़ी कौन सी है, नहीं है, क्या है, नहीं है, ये सब चीज़ देखते हैं गाड़ी के बारे में, और फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये कुछ जो जिया जी पसंद किए हैं, ऑल्टो किटन, नहीं डिज़ायर लंबा बहुत हो जाएगा इसीलिए, यहाँ देख सकते हैं ये गियर ना, और ये टच स्क्रीन, यही है गाइस टॉप एंड बेस मॉडल, उसका लुक नहीं पसंद है, नहीं लुक नहीं पसंद है, मतलब हम यार पता नहीं जिया जी क्या देख के इसको पसंद किया, इसमें देखो पावर विंडो फ्रंट तो दोनों है, पावर विंडो इधर का ही स्विच होगा इसका, पता नहीं यार ये लगा इस पावर विंडो का स्विच, और पीछे देखो भाई भाई वही पुराने जमाने वाला है मंदे टाइम का भाई साहब, ठीक है। लॉक तो भाई ये वाला है, पीछे पीछे भी यही वाला लॉक है, हमको वो भी होगा, यहाँ पे कील वाली, वो सब सिस्टम नहीं है इसमें फिलहाल, ठीक है यार, सेंट्रल लॉकिंग तो हो गई भाई। एक और चीज़ दिखाई, इंडिकेटर इसमें अभी भी फेंडर पे आता है, देख सकते हो, मिरर पे नहीं है, और अलॉय व्हील भी नहीं आता इसके टॉप मॉडल में, ना ही इसके, यही तो गाइज ये लगती है, देख सकते हो यार, पता नहीं जिया जी को ये क्यों नहीं लेना है यार, देखो इससे अच्छी तो मुझे सलेरियो लग रही है, कम से कम उसमें चारों पावर विंडो तो है, ठीक है, इसमें तो उन सब में तो पावर विंडो भी नहीं है, देख सकते हो, ठीक है, और इसमें साइड देख सकते हो ये भी पावर विंडो, चारों पावर विंडो है, और बस यही है, टच स्क्रीन जो इसका है ना वो पुराने टाइम का आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, 5-6 हज़ार में एंड्रॉयड लग जाती है, और क्या चाहिए, और सबसे बड़ी बात इसका इंडिकेटर भी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, ऑल्टो की तरह नहीं जो यहाँ पर लगा हुआ दे, वही है, 1 लाख रुपये का फ़र्क है दोनों में बस, बाद बाकी लुक तो सही, इसमें फॉग लाइट का भी हाउसिंग दिया हुआ है, मस्त है ये गाड़ी, ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें पीछे में भी वाइपर आ जाता है, तो ये भी अच्छी चीज़ है, पता नहीं क्या चल रहा है। आ चुके हैं मारुति सुजुकी के शोरूम से बाहर, भाई एक बात बताओ, सही बात बता रहा हूँ गाइस, सलेरियो इससे ज़्यादा बेटर गाड़ी लग रही है मुझे, फीचर्स वाइज बता रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो गाइस पावर वाइज तो मुझे वो ब्रेजा बहुत पसंद है, ठीक है, अब देखो यार अब हम क्या कर सकते हैं, घर में बोलते हैं, अब देखो यार गाइस मारुति की एक और चीज़ मैंने अभी देखी, याद आया मुझे, ना इन्होंने चाय के लिए पूछा, ना इन्होंने कॉफ़ी के लिए पूछा, ना इन्होंने पानी के लिए पूछा, ठीक है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि भाई इनका यही सिलसिला है, लेना है तो लीजिए, वरना अपने घर को जाइए, हमारी तो बिकेगी ही गाड़ी, और ये बात भी सही है गाइस, इनकी तो बिकनी ही है, चाहे आप लो या ना लो, क्या गाइस मारुति से निकल के मैं आ चुका हूँ आपको क्या कहते हैं महिंद्रा के शोरूम में, अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, गाड़ी, एंड मुझे तो लगता है गाइस जहाँ तक कि यहाँ तो एक्सयूवी बसती है अपनी औकात में, 300 एक्सयूवी 300, तो देखते हैं जाके कोई भी, सामने में ही लगी हुई है अपनी एक्सयूवी 300, देखते हैं एंड अंदर जाके, इधर भी एक्सयूवी 300 टॉप मॉडल, ये भी टॉप है क्या। तो गाइस देखते दिखाते आ चुके महिंद्रा शोरूम, और इन्होंने भाई देखो बैकग्राउंड में अपनी एसेसरीज सजा रखी है, ये भी बहुत अच्छी लग रही है, और इधर अपनी एक्सयूवी लगी हुई है भाई साहब, ये भी बहुत प्यारी लग रही है, और इधर एक्सयूवी का ऐड दे रहा है देख सकते हो, एंड देखते हैं अभी सबसे पहले अपना लोग इसका बेस मॉडल जो कि है महिंद्रा का एक्सयूवी। तो गाइस महिंद्रा शोरूम जाके बिल लेके आ चुके टम्पी को लेने, ये रही टम्पी, अब इसकी बातें सुनो। हेलो, मेरा क्लास में नहीं हो, एक बार प्रिंसिपल मैम पकड़ी, आज वाइस प्रिंसिपल मैम पकड़ ली। कौन चीज में? अरे कल नहीं,
एक बार तो प्रिंसिपल मैम पकड़ी, प्रिंसिपल मैम तो जुबान चला रहा था मैम के सामने, अरे मैम पूछी भाई और ड्रेस इज नॉट क्लीन वो बोल रहा था ना। हाँ मम्मी ने बोला कि कुछ दिन चला लो, ठीक है उसी में हुआ। प्रिंसिपल मैम के साथ कर रहा था ये, आज तो वाइस प्रिंसिपल मैम पकड़ी, लाइन तो उधर चल रहा है। अच्छा और कुछ हुआ आज? तो गैस दीदी के यहाँ से निकल चुके हैं, ठीक है चाय पी के और टम्पी को छोड़ के। और गैस दीदी के यहाँ मेरा बक्सा रखा हुआ था तो बक्सा भी ले आए हैं और यहाँ पे अब ठीक करा रहे हैं भैया से, ठीक है जिनके इन्होंने 80 रुपये लिए। गैस क्या बताऊँ, और देख सकते हो पूरा तोड़ तार कर रहे हैं बक्से के साथ, ठीक है। ये हॉस्टल में जब मैं था ना तो वहाँ के लड़के लोगों ने इसको, मतलब जब मैं घर गया था तोड़ दिया था, पता नहीं क्या किया था उन्होंने, खोल लिया सारा सामान तो मेरा इसी में था, ठीक है। तो अब कर रहे ठीक, फाइनली गाइस बक्सा ठीक हो चुका है अब अपना, तो अब हम जा रहे हैं घर की ओर, ठीक है। और गाइस बक्सा बहुत भारी है गाइस, और अंदर से बेइज्जती फील भी हो रही है, सब लोग देख रहे हैं मुझे बक्सा ले जाते हुए, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, ले जाना ही पड़ेगा, और दूसरों को देखने से मेरा घर थोड़ी चलता है, तो ले चलते हैं। यहाँ देख सकते हो बक्सा भी मैंने लगा लिया रूम में, ठीक है अब ठीक है गाइस, ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पहले बहुत दिक्कत होती थी सामान रखने में, ठीक है। तो अब उसके अंदर है अपना, सेफ है सब कुछ, किसी और ब्लॉग में आपको वो भी दिखा दूंगा। और तो अब जल्दी से लंच धोना है क्योंकि आंटी आएगी अब खाना देने, कल के ब्लॉग में मैं आपको दिखाता हूँ जो क्या क्या मुझे खाना मिलता है, कैसे मैं रहता हूँ यहाँ पे पटना में रूम लेके, ठीक है। और स्टूडेंट लाइफ में कैसे रहना चाहिए मैं आपको कल दिखाऊंगा, और मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।